नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी के बारे में, अदानी ट्रांसमिशन, जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिस कंपनी ने इन्वेस्टर को माला माल कर दिया है कुछ ही साल के अंदर। मैंने भी अपनी चैनल के ऊपर, जब वीकली चार्ट के ऊपर इसका 277 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट आया था, तब मैंने इसमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने को बोला था सबको, और वहाँ से भी ये 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है और अभी 847 का क्लोज दिया है। तो ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया है और आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न क्यों दे सकता है और कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस ये वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये स्टॉक में आगे क्या करना है और अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इस स्टॉक को, उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये अदानी ट्रांसमिशन का लॉन्ग टर्म चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। दोस्तों, जब मैंने ये एनालिस किया था कि 290 के आसपास का, कि जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, तब मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि वीकली चार्ट 3 मंथ से लेके 12 मंथ के अंदर देखा जाता है और हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। बट हम लॉन्ग टर्म चार्ट पूरा ओपन करके रखा है कि अदानी ट्रांसमिशन का जो शुरुआत हुआ था, वो शुरुआत हुआ था 2015 के आसपास। तब स्टॉक अराउंड 26 रुपीज़ के आसपास था और 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था इस स्टॉक का। दोस्तों, अब ये स्टॉक आगे बढ़ के 847 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 34 से लेके 35 गुना आपका पैसा मल्टीप्लाई कर दिया है। दोस्तों, सीधी भाषा में, आसान भाषा में समझे तो 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किए होते 2015 में, तो ये स्टॉक आपको अभी 34 से 35 लाख का रिटर्न दे देता। तो 5 से 6 साल के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। दोस्तों, अब क्यों डिस्कस करना है उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, तो अभी ये स्टॉक का जो वीकली चार्ट है, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, जो इसका हाई बना था इन फेब्रुआरी 2021 का, वो उसके ऊपर एक भी बार क्लोज करने की कोशिश 2 बार की, 5 मार्च का जो वीक था वहाँ पे भी की, और उसके बाद का जो वीक था वहाँ पे भी वो क्लोज करने की कोशिश की, बट क्लोज करने में वो सक्षम नहीं रहा। बट ये जो वीक है, करंट वीक है दोस्तों, 847 जब अभी क्लोज है 23 मार्च वाला, इसमें उसने 52 वीक हाई था, जो लास्ट जो 52 वीक हाई था वो 854 था, उसके ऊपर गया 860 हुआ और क्लोज भी काफ़ी पॉजिटिव दिया है दोस्तों 847 का, यानी कि पॉजिटिव क्लोज अगर ये वीक में आता है तो और भी हमें 4 डिजिट का ये स्टॉक बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल की, कि क्योंकि कोई भी स्टॉक चार्ट के ऊपर अच्छा हो बट फंडामेंटली भी अच्छा देखना जरूरी होता है। ये स्टॉक ने 5 साल के अंदर अगर 35 गुना रिटर्न्स दिया है, तो आने वाले टाइम में क्या ये रिटर्न देंगे का नहीं, वो हमें थोड़ा फंडामेंटल से पता चलेगा। तो ये अदानी ट्रांसमिशन का अभी का क्लोज 844.60 है, और अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है दोस्तों, और इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 87,000 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू 76 रुपीस है, डिविडेंड अभी तक ये कंपनी ने दिया नहीं है और उसका पी है 80.7। बेसिकली कंपनी ये करती है कि अदानी ग्रुप का ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन एंड सब्सिडरी, वो एंकेज बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थ्रू आउट द इंडिया है। कंपनी ने डेवलप ओन एंड ऑपरेट्स ओन ट्रांसमिशन लाइन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाभारत, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम द अबोव द ग्रुप ऑल्सो डील्स इन वेरियस एग्रो कॉमोडिटीज, यानी कि बेसिकली पावर ट्रांसमिशन का बिजनेस करते हैं, और पावर ट्रांसमिशन का आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, तो उसकी वजह से पावर से जुड़ी जो कंपनियां होगी, तो बट ऑब्वियस है कि कार्स जो होगी, इलेक्ट्रिक कार्स, उसको चार्ज करने के लिए हमें पावर और पावर ट्रांसमिशन जो भी कंपनियां हैं, इसमें भी ये कंपनी बेनिफिट लेगी दोस्तों। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और अदानी ग्रुप
जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में रूलिंग कर रही है, उनके बहुत ही खासो खास बिजनेसमैन हैं और गुजरात की कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद है। अब स्टॉक का जो पी है वो 80.7 है, जो काफ़ी हाई है दोस्तों, जो एक नेगेटिव पॉइंट हम बता सकते हैं। बट जो भी ग्रोथ स्टॉक होते हैं हाई लेवल पे, वो उसका पी हाई होता है। वो आप अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका पी क्यों इतना वरिस नहीं करेगा आपको। आर ओ सी है वो 12.1 है, आर ओ ई है वो 14.3 है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.5 है, यानी कि अच्छी मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी बिजनेस कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.6.3 है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.86 है, क्योंकि कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट रहता है उसकी वजह से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3% है, प्लेस परसेंटेज है 27.8। एक नेगेटिव है क्योंकि कंपनी का जो प्लेस, जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो प्लेस किए हैं उन्होंने, और दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो दोनों थोड़ा सा नेगेटिव है। इंडस्ट्री के पी के मुकाबले जो स्टॉक का पी है वो बहुत ही हाई है, और प्रॉफिट जो है वो 1.54% इंक्रीज हुआ है। सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हुआ है लास्ट 5 सालों में, और आपको उसका परफॉर्मेंस स्टॉक के ऊपर भी मिला है। ईपीएस है 9 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अच्छी बातें क्या है। तो कंपनी में के लिए अच्छी बातें ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है, 1.3.95% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर, बेस्ट रिटर्न दिया है लास्ट 5 टाइम के अंदर। बुक वैल्यू से 10.39 टाइम्स वो ट्रेड कर रहा है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है। कंपनी प्रॉफिट लगातार कर रही है बट डिविडेंड पे नहीं कर रही है, यानी कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है कंपनी। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है, और प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो प्लेस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। जब कंपनी की शुरुआत हुई तब सेल्स था 131, और अगर आप अभी का देख सकते हैं तो 11.414416 2020 में था, बट उसके बाद लॉकडाउन आया और कोविड की वजह से जो बिजनेस शटडाउन हुए उसकी वजह से वो थोड़ा कम हुआ है। बट अगर आप 3 डिजिट के ऊपर था और 5 डिजिट के ऊपर आ गया 5 साल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा सेल्स दिखाया है कंपनी ने, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा इजाफा एवरी ईयर आपको मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बेहतरीन इस साल के अंदर नेट प्रॉफिट आपको 1080 मिल रहा है। उसी की वजह से हर साल हमें अच्छा रिटर्न मिला है, और आने वाले टाइम के अंदर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको चांसेस है होने के। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दोस्तों। 2018 का आप शेयर होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर का 70.92 था, एफआईआई 19.99 है, और डीआईआई है 2.63, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 2.46 है। अगर 2020 का भी देखोगे स्टॉक में इतना इजाफा हुआ है, तो प्रमोटर का तो वही हिस्सा है। इवन एफआईआई में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, डीआईआई में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और पब्लिक के पास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर आप डीआईआई देखोगे तो लाइफ कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, यानी कि बहुत ही एलआईसी, सिर्फ नाम ही काफ़ी है और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआई में इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी है, क्रेस्टा फंड है, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, और दर बतर ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग। आप देख सकते हैं कि इलारा अपॉर्चुनिटीज 4.62 था, वो बढ़ के 4.66 हो चुका है, और अलबुला इन्वेस्टमेंट बाकी सबका इंक्रीज हुआ है या फिर वो होल्ड करके बैठे हैं। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड भी इंक्रीज करके बैठे हैं अपने होल्डिंग। तो आने वाले टाइम में एफआईआई भी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, और एलआईसी का भी इसमें योगदान है, जो इक्विटी है वो परचेस करके बैठे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी कंसिस्टेंट ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो जैसे अभी 35 to 34% गुना स्टॉक में इजाफा हुआ है लास्ट 5 ईयर में, आने वाले साल में भी ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है दोस्तों। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं तो आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा बेहतर रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है दोस्तों।
और अदानी ग्रुप है तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं रहेगा दोस्तों, तो एक अच्छी चीज़ है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।